नमस्कार, न्यूज लाइव MPCG.com में खास खबर के साथ मैं हूं अजय तिवारी। मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर को मतगणना होनी है और सभी ये कयास लगाने में जुटे हुए हैं कि किस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। चुनावी पोस्ट पोल का जोर चल रहा है और हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के किस संभाग में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है, कौन सी पार्टी गेन कर रही है और कौन सी पार्टी को सीटें घटने की संभावना है। सबसे पहले बात करते हैं ग्वालियर और चंबल संभाग की। यहाँ पर कुल 34 सीटें हैं, जिसमें 2013 में बीजेपी के पास 20 सीटें थीं, कांग्रेस के पास 12 सीटें थीं और अन्य के पास 2 सीटें थीं। अगर 2018 का आकलन करें तो बीजेपी यहाँ पर 12 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस को 6 सीटों का फायदा है और वो 18 सीटों पर आती दिखाई दे रही है और अन्य को 2 सीटों का फायदा है, अन्य को यहाँ 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। अगर बात करें विंध्य और शहडोल संभाग की तो यहाँ पर कुल 30 विधानसभा सीटें हैं। 2013 के चुनावों में यहाँ पर बीजेपी को 16 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी और अन्य को 2 सीटें मिली थी। 2018 का संभावित आकलन के मुताबिक यहाँ पर बीजेपी को 11 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 15 सीटें मिल रही हैं यानी 3 सीटों का फायदा है और अन्य को 4 सीटें मिल रही हैं यानी कि 2 सीटों का फायदा है। बात करें बुंदेलखंड संभाग की तो यहाँ पर कुल 26 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ पर 2013 के चुनावों में बीजेपी को 20 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी और अन्य को कोई सीट नहीं मिली थी। वहीं 2018 के आकलन के मुताबिक बीजेपी को यहाँ पर 13 सीटें मिल रही हैं यानी कि 7 सीटों का नुकसान है, कांग्रेस को 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं यानी कि 4 सीटों का फायदा है, अन्य को यहाँ पर 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और ये 3 सीटें अन्य के लिए फायदे में है। बात करें महाकौशल संभाग की तो यहाँ पर कुल 38 विधानसभा सीटें हैं। 2013 में यहाँ पर बीजेपी को 24 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 14 सीटें मिली थी, अन्य को कोई सीट नहीं मिल पाई थी। 2018 के संभावित आकलन के मुताबिक बीजेपी को यहाँ पर 12 सीटें मिल रही हैं यानी 12 सीटों का नुकसान है, कांग्रेस को यहाँ पर 24 सीटें मिल रही हैं, यहाँ पर उसको 10 सीटों का फायदा है और अन्य को 2 सीटें मिल रही यानी कि 2 सीटों का फायदा है। बात करें अगर निमाड़ और मालवा अंचल की, यहाँ पर सबसे ज्यादा 66 सीटें हैं। 2013 के चुनाव में बीजेपी को 56 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी और अदर्स यानी अन्य को 1 सीट मिली थी। 2018 के आंकलन के मुताबिक बीजेपी की सीटें घटकर यहाँ पर 38 रह जाएंगी, कांग्रेस की 26 सीटें होने वाली हैं जो कि उसको फायदा है और अन्य की 2 सीटें रहेंगी जिसमें 1 सीट का फायदा है। बात करें भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की तो यहाँ पर 36 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें 2013 में भाजपा को 29 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी। वहीं 2018 के आंकलन के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को यहां 22 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को 14 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इन सीटों पर है कड़ा मुकाबला। मध्य प्रदेश की लगभग 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जिन पर भाजपा कांग्रेस के अलावा सपा बसपा या निर्दलियों के बीच कड़ा मुकाबला है। इन सीटों पर यदि भाजपा को जीत मिलती है तो वह पूर्ण बहुमत में आकर सरकार बना सकती है। अगर इस पर कांग्रेस या अन्य पार्टियों को बहुमत मिलता है तो प्रदेश में कांग्रेस की या गठबंधन की सरकार बनने का रास्ता खुल जाएगा। आइए जानते हैं वह कौन सी सीटें हैं जो सरकार बनाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं। विजयपुर विधानसभा सीट, यहाँ भाजपा के बागी बाबूलाल मेवाड़ा बसपा की ओर से कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सुमावली विधानसभा सीट, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है और बसपा और निर्दलीय प्रत्याशी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मुरैना विधानसभा, यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ग्वालियरपुर में भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए संघर्ष करती दिखाई दे रही है। ग्वालियर ग्रामीण में भाजपा का सीधा मुकाबला BSP के साथ है, यहाँ कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। भांडेर विधानसभा में भाजपा के लिए जीत मुश्किल दिखाई दे रही है। जौरा विधानसभा, अगर यहां पर बसपा का वोट प्रतिशत बढ़ता है तो भाजपा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। कुशवाहा बहुल विधानसभा सीट पर बसपा के संजीव कुशवाहा और समाजवादी पार्टी के नरेंद्र कुशवाहा भाजपा के राकेश चौधरी के लिए जीत मुश्किल कर सकते हैं। गोहद विधानसभा सीट पर BSP उम्मीदवार जगदीश तागर भाजपा के उम्मीदवार और मंत्री लाल सिंह आर्य के लिए चुनौती बने हुए हैं। टीकमगढ़ की खरगापुर विधानसभा सीट से भाजपा ने उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी को टिकट दिया है, जिससे नाराज होकर भाजपा के पूर्व विधायक अजय यादव BSP की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा की जीत में रोड़ा बन सकते हैं। निवाड़ी विधानसभा सीट में 2008 में विधायक रह चुकी समाजवादी पार्टी की मीरा यादव भाजपा की जीत में रोड़ा बन सकती हैं। चंदला विधानसभा सीट पर भाजपा की बागी अनित्या सिंह गणित बिगाड़ सकती हैं। रैगांव विधानसभा सीट फिलहाल बसपा के पास है और इस बार भी यहां भाजपा को जीत मुश्किल दिखाई दे रही है। 2008 में ये सीट BSP के पास थी और पिछले चुनावों में बसपा दूसरे स्थान पर रही थी। इस बार भी बसपा उम्मीदवार रामलाखन सिंह भाजपा के हर्ष सिंह की जीत में मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। सिमरिया विधानसभा सीट पर BSP हमेशा भाजपा को टक्कर देती आई है, कांग्रेस यहाँ तीसरे स्थान पर रहती आई है, इस बार भी भाजपा की जीत में बसपा रोड़े अटका सकती है। बहोरी विधानसभा सीट, इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। पाटन विधानसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार अजय बिश्नोई और कांग्रेस के नीलेश अवस्थी के बीच कड़ा मुकाबला है। जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है।